घर आए तो बाहर में कारकेट तो आपका तैयार है, आप भागलपुर जा रहे हैं? भागलपुर की आवाम बुलाती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। किस अनवर हुसैन भागलपुर जा रहे हैं तो लड़ेंगे? अरे हम तो कार्यकर्ता के नाते वहाँ अपना काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी का जो हुक्म होता है उसको हमने माना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं अभी भी जो आपके घर आए तो बाहर में कारकेट तो है आपका तैयार है, आप भागलपुर जा रहे हैं? तो भागलपुर क्यों नहीं जाएंगे भाई, भागलपुर से हम वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 2014 में सिर्फ 1% वोट से रह गए थे, 19 में वो सीट नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास चली गई थी, और कभी भी हमने रिश्ता नहीं तोड़ा। हमने तो भागलपुर के लोगों से कहा कि मेरा भागलपुर का जो रिश्ता है वो सांस का रिश्ता है, जब तक सांस है जब तक भागलपुर का साथ है। भागलपुर बहुत जा रहे हैं जो चर्चा का विषय नहीं, तो अब देखिए पहले तो केंद्र में काम कर रहे थे, फिर बिहार में उद्योग का काम मिला तो उस काम में लगे थे, एनर्जी पूरी वहाँ लगा दी, अब मेरे पास जो है MLC के नाते मैंने भागलपुर ही को अपनाया है, वो जो मेरा फंड है वो भी वहीं खर्च होता है, और वहाँ से मैं पूर्व सांसद हूँ और पार्टी की जो भी योजना बनती है उस कार्यक्रम में लगा रहता हूँ। तो भागलपुर की आवाम बुलाती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और वहाँ जहाँ कभी सांप्रदायिक तनाव हुआ था वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया, तो उस जगह के लोग दिल में जगह रखे हुए हमारे लिए, तो हम जाते रहते हैं। भागलपुर आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है ना? एकदम, भागलपुर ही मेरे लिए सब कुछ है, सब और वहीं भागलपुर ही में सुबह मेरे फ़ोन पे आप देखेंगे तो 10 कॉल होगा तो उसमें 8 कॉल भागलपुर का होगा। नहीं तो इतना जो आप जा रहे हैं घूम रहे हैं, ठीक है अगले साल चुनाव है तो ये सवाल तो लाजमी है, लड़ेंगे क्या अगले साल भागलपुर? देखिए हमारी पार्टी में जो सिटिंग MP है वो भी नहीं कह सकता कि वही उसी को लड़ना है, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और पार्टी जो तय करेगी उसको फॉलो करते हैं हम लोग। लेकिन बोलिए ना कि शाहनवाज हुसैन भागलपुर जा रहे हैं तो लड़ेंगे? अरे हम तो कार्यकर्ता के नाते वहाँ अपना काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी का जो हुक्म होता है उसको हमने माना है। पिछली बार वो पार्टी का हुक्म हुआ था कि तिरछाप लड़ेगा तो तिरछाप लड़ा, कमल छाप नहीं लड़ा पिछली बार। इस बार तो NDA है, सामने में तीर ही होगा लगता है, अब कौन होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भागलपुर में इस बार कमल जरूर खिलेगा। कमल खिलेगा जी। देखिए शाहनवाज हुसैन की जो मुस्कुराहट है और ये जा रहे हैं भागलपुर, अक्सर जाते हैं जब बिहार आते हैं भागलपुर जा रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव है तो ये सवाल लाजमी थे, और भागलपुर इनके दिल में बसता है, भागलपुर से जो रिश्ता है वो अलग ही है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव, उस पर गोल मोल जवाब आया है, लेकिन पार्टी तय करेगी। शाहनवाज हुसैन देखते हैं भागलपुर से जो इनका रिश्ता है ये कितना लंबा अभी और बना रहता है। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।